डिप्रेशन का इलाज स्वसम्मोहन से कैसा करे बिना दवाई का, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त देव महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन आज एक बहुत गंभीर समस्या दुनिया में पैदा हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं। अभी जो स्टडीज़ है उसमें से ये मालूम पड़ता है कि हर 5 व्यक्ति के बाद में एक व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है, उसको डिप्रेशन है, निराशा है, उतना ही एंग्जाइटी का रेशो है। एंग्जाइटी जो है चिंता रोग या घबराहट, चिंता, बेचैनी, 5 में से 1। तो भी इतनी जब तादाद में जब पेशेंट्स लोग हैं तो क्या इनको दवाई की ज़रूरत है? तो अर्थात सभी को दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मतलब कि भाई उनका केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीडोसिन, एंडोर्फिन्स, ये जो हार्मोन्स है उसकी लेवल कम हो चुकी है। और वो कैसा मालूम पड़ता है हमें? बाहर मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट आता है तो बोलता है मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, उदासीनता लगती है, काय में भी मन नहीं लगता, गमता नहीं, बहुत निराशा है, बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुखी हूँ, रोना आता है, या सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और उठने के बाद में मुझे बहुत ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी काम में मज़ा नहीं आता। तो ये बिल्कुल क्लासिकल डिप्रेशन के सिम्टम है। और यदि कोई बोलता है और इसके पीछे यदि कोई कारण नहीं है, बिना कारण हुआ है, तो डेफिनेटली इसको दवाई की ज़रूरत है। और दवाई से वो 15 दिन में 3 हफ्ते में काफ़ी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है, और होता ही है जब हम देते हैं दवाई। तो मगर कुछ डिप्रेशन ऐसे है कि जो कम मात्रा में न्यूरोटिक है, जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, सब चालू है, मगर निराश है, मगर उदास है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी कारण है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या कोई ब्रेकअप हुआ है, या कोई बीमार है घर में, या किसकी डेथ हो चुकी है, मतलब ऐसे कोई ना कोई कारण उसके वजह से डिप्रेशन है, तो फिर ऐसे पेशेंट को वैसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उनको यदि हम अफर्मेशन देते हैं, सेल्फ अफर्मेशंस, सेल्फ हिप्नोसिस में, तो बहुत फ़ायदा उनको हो सकता है। तो हिप्नोसिस कैसे करना, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना, हिप्नोटिज्म के वीडियोस मेरे बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको उसने खुद ने अपने आप को अफर्मेशंस कैसे लेना है। ये जो काम कर रहा है, जो जिसको उदासीनता लगती है, ऐसा थोड़ा सा लगता है कि नहीं ठीक नहीं हूँ, बेचैनी है, नर्वसनेस है, उसके बारे में बोल रहा हूँ, उसको दवाई नहीं लिया तो भी चलता है, तो खुद ने दीवार के पास में बैठना है, अपना सिर जो है वो दीवार को टिक के रखो ताकि दीवार, मतलब दीवार का सपोर्ट सिर को मिल जाएगा, ऐसा पीछे रिलैक्स बैठना है, मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डालना है ताकि कोई किसका मोबाइल आपको नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा। घर के लोगों को बोलना है कि भाई मैं अभी स्वसम्मोहन कर रहा हूँ और मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, और पॉजिटिव अफर्मेशन देने के हैं, रिलैक्स हो के पूरा बदन रिलैक्स करना है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो वैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देने के हैं। मैं बहुत ही फिट और हेल्दी हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा है, बहुत ताकत है, और मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरे में बहुत ही एनर्जी है, ऊर्जा है, और मैं बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। हर दिन, हर रोज, हर क्षेत्र में मैं तरक्की कर रहा हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुशहाल हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वास हूँ। दिन ब दिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, मेरा आत्मसम्मान बहुत ही अच्छा है, मैं खुद को बहुत ही अच्छा शक्तिशाली समझता हूँ, और मैं खुद के ऊपर बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद पर बहुत प्यार करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ,
मगर मैं खुद पर प्यार करता हूँ। मुझे जो भी किसी से कहना है मैं बिना दिक्कत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से बात कर सकता हूँ और मेरे फीलिंग्स लोगों को बोल सकता हूँ। मैं सभी के ऊपर प्यार करता हूँ और सभी लोग मुझ पर प्यार करते हैं। मुझे बहुत शांत शांत और रिलैक्स रिलैक्स लग रहा है, बहुत ही शांत शांत और रिलैक्स रिलैक्स मुझे लग रहा है। जो भी गलतियाँ मैंने की है उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। जो भी गलतियाँ मैंने की है उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मुझे पता है कि ज़िंदगी में बहुत खुशी है और मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं दिन ब दिन बहुत ही शांत बनते जा रहा हूँ, बहुत ही शांत और रिलैक्स बनते जा रहा हूँ। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर रोज हर क्षेत्र में मैं दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा हूँ। मेरे पास में जो भी है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे पास में अच्छी बॉडी है, मेरे पास में अच्छा दिमाग है, मेरा हृदय, मेरा लिवर, मेरा किडनी, मेरी पाचन संस्था, मेरे हाथ, मेरे पैर सभी स्वस्थ है और मैं मेरे शरीर के लिए और मेरे मन के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ जो भी मेरे पास में पैसा है उसके लिए, जितना भी पैसा मेरे पास में है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे पास में पैसा खींचते आ रहा है, मैं मनी को पैसे को अट्रैक्ट करने वाला इंसान हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ अतीत में की है उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ। लंबी सांस अंदर लो और आराम से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। जब भी आप सांस अंदर ले रहे हैं तो यह पृथ्वी की सभी अच्छी चीज़ें अंदर जा रही है और आप जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो अपने अंदर की सभी गलत चीज़ें बुरी चीज़ें बाहर निकल रही है। मैं अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। यह 2 मिनट के समय में आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है, अपनी तस्वीर बनाना है, इमेजिनेशन करना है। आप जैसा भी बनना चाहते हो वैसे बन गए हो, जैसा भी होना चाहते हो वैसे हो गए, जो भी पाना चाहते हैं वो पा गए, ऐसी कल्पना करो, अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आंखें खुलिएगा। जब भी मैंने आपको ये अफर्मेशंस दिए तभी आपको सिर्फ अफर्मेशंस ये सुनने नहीं है या अफर्मेशंस बोलना नहीं है, जो अफर्मेशंस मैंने आपको दिए उसकी कल्पना करना है, वो विजुअलाइज करना है। ऐसा मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा आप अपने आप को जब बोल रहे हैं तो मैं खुश हूँ ऐसा महसूस करना है, हर बार उस तरह का अनुभव करना है, तो ये बहुत कारगर हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। मैंने जैसा बोला कि 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है, ये अफर्मेशंस वो लेता है ना तो उसका दिन अच्छा जाएगा और बिना दवाई का वो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।